हाय गाइस, मैं हूँ राजकुमार सिंह और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे क्लास 11 इंग्लिश का नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। इसमें जो लेखक हैं बुकर टी वाशिंगटन, ये खुद अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए लिखे हैं कि शिक्षा के लिए मैंने कितना मेहनत किया, किस परिश्रम के साथ मुझे। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। वन डे वाइल एट वर्क इन द कोल माइन, देखा कि एक दिन कोयले की खदान में काम करने के वाइल मतलब दौरान, आई हैपेंड टू ओवर हियर टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया। कहें कि आई हैपेंड मतलब मुझे संयोग से मौका मिला सुनने का, टू माइनर्स दो मजदूर बात कर रहे थे अबाउट अ ग्रेट स्कूल, एक महान विद्यालय के बारे में, फॉर कलर्ड पीपल। यहाँ पे एक प्रजाति है जिसे हप्सी बोलते हैं। तो कह रहा है कि जो हप्सी लोगों के लिए विद्यालय था, समवेयर इन वर्जीनिया, जो वर्जीनिया में कहीं स्थित था, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव एवर हियर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज दैट वॉज मोर प्रेटेंशियस देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। लिखा है कि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यह मेरा पहला मौका था कि आई हैड एवर हियर्ड, मैंने ऐसे विद्यालय के बारे में सुना, एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज मतलब किसी विद्यालय कॉलेज के बारे में, दैट वॉज मोर प्रिटेंशियस जो ज्यादा शानदार था, प्रिटेंशियस का मतलब हो जाएगा शानदार, देन द लिटल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। निकलिए जो हम लोगों के कस्बे में हप्सी लोगों के लिए, हप्सी बच्चों के लिए जो विद्यालय होते थे, उससे ज्यादा वो विद्यालय शानदार था। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसे जैसे वे विद्यालय का वर्णन कर रहे थे, जिस प्रकार से वो लोग विद्यालय का वर्णन कर रहे थे, इट सीम्ड टू मी मुझे ऐसा लगा दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, यानी कि धरती पर यह सबसे महान स्थान होगा। नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शंस फॉर मी एट दैट टाइम देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। लिख रहे हैं कि मुझे यहां तक कि स्वर्ग भी उतना आकर्षण नहीं लगा जितना कि वर्जीनिया में स्थित हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट लगा, अबाउट विच दिस मेन वेयर टॉकिंग, जिसके बारे में ये लोग बातचीत कर रहे थे। आई रिजॉल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, लेकिन मैं तुरंत उस विद्यालय में जाने का, रिजॉल्व का मतलब होता है दृढ़ निश्चय कर लिया, ऑल्दो यद्यपि आई हैड नो आइडिया मुझे नहीं पता था वेयर इट वॉज यह कहाँ है, आर हाउ मेनी माइल्स अवे या फिर यह कितने माइल्स मतलब मील कितने मील दूर है, आर हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इस या फिर मैं यहाँ कैसे पहुंचूंगा। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन, देखिए यहाँ पे ऑन फायर कॉन्स्टेंटली मतलब होता है कि जागृत कोई लगातार चीज जो उनका लक्ष्य था, मतलब यहाँ पे ऐसे लिखा गया कि आई वॉज ऑन फायर यानी कि ज्वलंत, कॉन्स्टेंटली मतलब होता कोई चीज, यानी कि जो उनका लक्ष्य था लगातार उनके अंदर पड़ा हुआ था, एंड दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन, और वह लक्ष्य ये था कि वह हैम्पटन जाएंगे। दिस थॉट वॉज विथ मी डे एंड नाइट, लिख रहे हैं कि यह जो विचार था दिन और रात मेरे साथ था। इन द फॉल ऑफ 1872 1857 के पतझड़ के मौसम में, आई डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना, टू मेक एन इफोर्ट टू गो टू गेट देयर मतलब वहां जाने का मैंने एक प्रयास किया। माई मदर वॉज ट्रबल्ड विथ अ ग्रेव फियर, मेरी माँ एक भयानक डर से पीड़ित थी, यानी मेरी माँ को एक भयानक डर था दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन ए वाइल्ड गुस चेस, यानी कि मैं एक निष्फल प्रयास कर रहा हूँ। वाइल्ड गुस चेस का मतलब होता है निष्फल प्रयास करना।
एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर आई गॉट ओनली ए हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर, मतलब उनकी तरफ से मुझे आधे मन से सहमति मिल गई दैट आई माइट स्टार्ट, कि मैं जा सकता हूँ यानी कि अपना काम कर सकता हूँ। आई हैड वेरी लिटिल मनी विथ विच टू बाई क्लॉथेस एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। आई हैड वेरी लिटिल मनी, लिख रहे हैं कि मेरे पास बहुत कम पैसा था, विथ जिससे टू बाई क्लॉथेस, मैं कपड़े खरीद सकूं या फिर अपने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, यात्रा के दौरान होने वाले खर्चों का चुकता कर सकूं। माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी, मेरा भाई जॉन मेरी हेल्प किया। ऑल दैट ही कुड, यथाशक्ति वह कर सकते, जितना वह कर सकता था उसने मेरी सहायता की। बट ऑफकोर्स, लेकिन अवश्य, दैट वॉज नॉट अ ग्रेट डील, वह बहुत ज्यादा नहीं था। फाइनली द ग्रेट डे केम, अंत में वह महान दिन आया। एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मैं हैम्पटन के लिए रवाना हुआ। आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप सैचल, मेरे पास केवल एक, स्मॉल मतलब छोटा सा, चीप मतलब सस्ता, सैचल मतलब जिसको हम लोग पिट्ठू बैग बोलते हैं, कंधे में लटकाने वाला बैग होता है। दैट कंटेन द फ्यू आर्टिकल्स, जिसमें कुछ चीजें थी। ऑफ क्लॉथिंग मतलब कपड़े, यानी कि उसमें कुछ कपड़े थे। आई कुड गेट, जो मुझे मिल सका था। माई मदर एट द टाइम वॉज रेदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ, लिख रहे हैं कि मेरी माँ उस समय बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और उनका स्वास्थ्य गिर चुका था। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, मतलब मैं मुश्किल से उम्मीद कर सकता था कि दोबारा उन्हें मैं मिल पाऊंगा। एंड दस, और इस प्रकार आवर पार्टिंग वॉज ऑल द मोर सैड, हम लोगों की जो विदाई थी या जो हम लोगों का अलगाव था वो बहुत दुखपूर्ण था। सी हाउ ईवर वॉज वेरी ब्रेव थ्रो इट ऑल, यानी कि इन सब चीजों में उन्होंने बहुत बहादुरी का परिचय दिया। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 माइल्स, लिख रहे हैं कि माल्डन से हैम्पटन की जो दूरी थी वो लगभग 500 मील थी। बाय वॉकिंग, यानी कि पैदल चलते हुए, बेगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स, करें कि घोड़ा गाड़ी में या मोटर गाड़ियों में। मैं बेगिंग मतलब भिक्षा मांगते हुए, भिक्षा मांगने का मतलब यह है कि किसी से लिफ्ट लेना या निवेदन करते हुए। इन सम वे, किसी भी तरह से, आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज, कुछ दिनों के बाद, आई रीच द सिटी ऑफ रिचमंड वर्जीनिया, मैं वर्जीनिया राज्य के एक शहर रिचमंड में पहुंचा। अबाउट 82 miles फ्रॉम हैम्पटन, जो हैम्पटन से 82 मील दूर था। वेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचा, टायर्ड यानी कि मैं थका हुआ था, हंग्री एंड डर्टी, मैं बहुत भूखा था, मेरे कपड़े धुंध से सने हुए थे, यानी कि मेरे कपड़े गंदे हो चुके थे, बिल्कुल गंदे हो चुके थे। इट वॉज लेट इन द नाइट, और बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी।